आप सभी का आज की प्रेस वार्ता में स्वागत है। आज राज्यसभा में एनआरसी पर सभापति महोदय की अनुमति से चर्चा का समय निश्चित हुआ था। एक घंटे की चर्चा में सभी दलों के सदस्यों ने अपनी अपनी बात रखी। जब मैंने विषय रखने की शुरुआत की, तुरंत ही एक मिनट के अंदर ही सदन की कार्यवाही को डिस्टर्ब कर मुझे अपनी बात रखने नहीं दी। मेरे लिए और सदन की गरिमा के लिए भी ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि मैं सदन का सदस्य होते हुए भी सदन में अपनी बात को नहीं रख पाया। इसीलिए मैंने आज जो बात मैं कहना चाहता था वो मीडिया के माध्यम से देश की जनता तक पहुंचे, इसलिए आप सभी को यहां आने का कष्ट दिया है। दो दिन से मित्रों एनआरसी पर एक बहस देश में छिड़ी हुई है। मैंने सारे नेताओं के बयान पढ़े हैं, सारे अखबारों के टाइटल भी मैंने देखे हैं। चर्चा ये है कि 40 लाख भारतीय नागरिकों को अवैध घोषित कर दिया गया, जबकि वास्तविकता अलग है। एनआरसी के अंदर से जो नामों को हटाया गया है वो नाम भारतीय नागरिक नहीं है, ऐसी प्राथमिक जांच करने के बाद हटाया गया है। तो जो नाम हटे हैं वो घुसपैठियां हैं और इस पर अभी ऑब्जेक्शन लेकर इनकी सुनवाई होना बाकी है। तो इसलिए दो तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा गया है। एक तो 40 लाख का आंकड़ा कोई अंतिम आंकड़ा नहीं है, इस पर जिनके नाम कटे वो ऑब्जेक्शन देंगे, इस पर सुनवाई होगी, क्रॉस वेरिफिकेशन होगा और सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन करे प्रोसीजर से इसकी संपूर्ण जांच होगी। उसके बाद में ही तय होगा कि वो नाम कटेंगे या नहीं कटेंगे, क्योंकि ये प्राथमिक लिस्ट है। दूसरा, भारतीय नागरिकों के नाम कटे गए हैं, ये भी देश की जनता को गुमराह करने वाली बात है। कोई भारतीय नागरिक का नाम कटा नहीं गया है। जो अपने भारतीय होने का प्रूफ नहीं दे पाए हैं, जो ये साबित नहीं कर पाए हैं कि वो भारतीय नागरिक हैं, उनके ही नाम को लिस्ट से अलग किया गया है। जहां तक सदन की चर्चा का सवाल है, मैं सारे लोगों को सुन रहा था, एक 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 कर सब पार्टियों ने अपने मत रखे, मगर आश्चर्य की बात है भी पार्टी ने स्पष्टता नहीं की कि अंतिम लिस्ट नहीं है, ये प्राथमिक सूची है। इस पर अभी ऑब्जेक्शन लेना भी बाकी है, इस पर संशोधन भी बाकी है, इस पर उनकी सुनवाई भी बाकी है। दूसरी बात, किसी ने ये नहीं कहा कि एनआरसी कहां से आया है। कांग्रेस पार्टी, उनके साथी दल, विशेष करकर तृणमूल कांग्रेस पार्टी, ये सब ने जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार किसी के साथ भेदभाव कर रही है, किसी को अन्याय कर रही है, इस प्रकार का एक चित्र, एक छवि खड़ी करने का प्रयास किया। मैं आज देश की जनता के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं कि एनआरसी कैसे आया। असम के अंदर अवैध घुसपैठ के कारण वहां का जनजीवन प्रभावित होता था। आसामी जनता ने और विशेषकर असम के विद्यार्थियों ने एक लंबा आंदोलन छेड़ा। सैकड़ों युवा ये आंदोलन में मारे गए, शहीद हुए, और उसके बाद में एक आसाम एकॉर्ड साइन किया गया उस वक्त की सरकार ने। 14 अगस्त 1985 को देर रात, शाम को, रात को 3 बजे असम एकॉर्ड साइन हुआ। उस वक्त इस देश के प्रधानमंत्री स्वर्गस्थ श्री राजीव गांधी थे। कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी। असम एकॉर्ड कांग्रेस पार्टी ने साइन किया,
कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री ने साइन किया और आसाम एकॉर्ड की आत्मा ये एनआरसी है, नेशनल सिटीजन्स रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। ये एनआरसी के अंदर, आसाम के अंदर भारत के नागरिकों की सूची बनाने का काम हो व्याख्यायित किया गया है और वो व्याख्या में कहा है एनआरसी का काम होगा, एनआरसी बनते वक्त एक एक अवैध घुसपैठियों को चुनकर देश की मतदाता सूची से बाहर किया जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, जो एकॉर्ड श्री राजीव गांधी ने साइन किया उसकी बात मैं कर रहा हूं और वो एकॉर्ड की आत्मा ही एनआरसी है। अब मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, आज वोट बैंक के लिए आप किस प्रकार से एनआरसी की प्रक्रिया पर सवाल खड़ा कर सकते हो? एनआरसी की शुरुआत ही कांग्रेस पार्टी ने करी, 2005 में भी एनआरसी बनाने की शुरुआत करी, आप में साहस नहीं था देश में से बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालने का, क्योंकि आपके लिए वोट बैंक महत्वपूर्ण था, देश की सुरक्षा महत्वपूर्ण नहीं थी, यहां के नागरिकों के अधिकार महत्वपूर्ण नहीं थे, साहस नहीं था। 2005 में शुरू कर उसको छोड़ दिया गया। उसके बाद में आसाम के नागरिकों ने एक पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में दायर की, पीआईएल के तहत ऑर्डर हुआ, ऑर्डर में एक टाइम बाउंड प्रोग्राम दिया गया। टाइम बाउंड प्रोग्राम के तहत हमारी सरकार ने, श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने एनआरसी बनाने का काम चालू किया और आज उसका प्राथमिक ड्राफ्ट बनकर लोगों के सामने गया है, जिसमें 40 लाख संदिग्ध लोगों को अलग दलग किया गया है। ये एससी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इसकी पूरी प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्राइब की हुई है, ये पूरी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में चल रही है, मॉनिटरिंग में चल रही है और मुझे बहुत दुख है भारतीय जनता पार्टी और बीजेडी के अलावे एक भी पार्टी ने इस देश में घुसपैठियों का कोई स्थान नहीं है इसको बोलना उचित नहीं समझा। वोट बैंक की पॉलिटिक्स को हम इतना ऊपर ले जाएंगे क्या? बात करते हैं मानव अधिकार की, मैं पूछना चाहता हूं आसाम के लोगों का मानव अधिकार नहीं है? जब उनकी रोजगारी छीनी जा रही है, जब उनके शिक्षा के अवसर छीने जा रहे हैं, जब इनके स्वास्थ्य के अवसर छीने जा रहे हैं, इनका मानव अधिकार नहीं है? घुसपैठ के जरिए देश की सुरक्षा को तार तार कर दिया जाता है, जो मारे जाते हैं उनका मानव अधिकार नहीं है? मानव अधिकारों की रक्षा के लिए ही एनआरसी बना है, मगर भारत के लोगों की मानव अधिकारों की रक्षा के लिए बना है? मानव अधिकारों की बात करने वाले लोगों को मालूम होना चाहिए कि देश के करोड़ों नागरिकों के मानव अधिकार का हनन है कि देश के संसाधनों का उपयोग विदेशी घुसपैठिए कर रहे हैं, और उन्होंने ये बात स्पष्ट करनी चाहिए कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए कांग्रेस पार्टी स्पष्ट करे कि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है। श्री राहुल गांधी ने स्पष्ट करना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है। तृणमूल कांग्रेस स्पष्ट करे कि बांग्लादेशी घुसपैठियों पर उनका स्टैंड क्या है, और जिन जिन पार्टियों ने इसका समर्थन किया है वो सारे के सारों ने स्पष्ट करना चाहिए कि बांग्लादेशी घुसपैठियों पर उनका स्टैंड क्या है। भारतीय जनता पार्टी का कमिटमेंट है, हम इस देश की सीमाओं की सुरक्षा को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी देते हैं, हम इस देश के नागरिकों की सुरक्षा को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी देते हैं और हमारे लिए ये टॉप प्रायोरिटी का इश्यू है। ये मैं इसको क्लियर करना चाहता हूं, जिससे जनता में कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए और मीडिया में भी कंफ्यूजन नहीं रहे, और मैं चाहूंगा कि सभी पार्टियों ने अपना स्टैंड इस इश्यू पर देश की जनता के सामने क्लियर करना चाहिए। जहां तक किसी को अन्याय का सवाल है, किसी को अन्याय होने की संभावना नहीं है, बड़ी पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई गई है, सुप्रीम कोर्ट के सामने रिपोर्ट देना है हर महीना, सुप्रीम कोर्ट इसकी जांच करता है, उसके बाद में ही कार्यवाही को अंतिम माना जाता है। अलग अलग प्रकार की भ्रांतियां खड़ी करी कि भाई बिहारी चले जाएंगे, कोई कहता है तमिल आए हैं तमिल चले जाएंगे, कोई कहता है राजस्थानी आए हैं राजस्थानी चले जाए। मैं स्पष्टता करना चाहता हूं, एनआरसी में असम के अंदर
बाहर से भारत के अंदर के किसी भी राज्य से आए व्यक्ति को रहने में या वहीं बसने में कोई दिक्कत एनआरसी के अंदर नहीं है। इनके नाम कभी भी देश के नागरिक के नाते काटे नहीं जा सकते, ये गैर कानूनी है, ऐसा होना वाला भी नहीं, मगर एक माहौल ऐसा बनाया गया है। पूरे भाषण मैंने सुने, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि प्रांत प्रांत के बीच में झगड़े होंगे। कैसे प्रांत प्रांत के बीच में झगड़े होंगे जब भारत का कोई भी नागरिक वहां रह सकता है? इससे इतनी ही बात मांगी जा रही है कि भैया आप भारत के नागरिक हो या नहीं हो, इसका प्रूफ दे दो, जहां से आए हो वहां का प्रूफ देना है। इसको स्वीकार करेंगे, और कोई नहीं दे सकता तो वो राज्य से कंफर्मेशन के लिए भेजा गया है, मगर इसको राज्य राज्य का प्रश्न बनाने की भी एक भ्रांति फैलाने की विपक्ष ने प्रयास किया है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं कि पूरी प्रक्रिया को आपने देश की जनता को गुमराह करने के लिए प्रयास किया है। और जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी की आदत है समय समय पर स्टैंड बदलते रहना। 1971 में स्वयं इंदिरा गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री, कांग्रेस पार्टी की प्रधानमंत्री ने कहा था कि इस देश में एक भी घुसपैठियों के लिए कोई स्थान नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी को कि आपकी परनानी की बात आप भूल गए हैं या आज भी इस पर अड़ी है? आप देश के सामने स्पष्टता करिए। श्री चिदंबरम ने कहा था कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहां नहीं रहने देंगे, एज ए गृह मंत्री कहा था। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी को कि जब आपकी सरकार होती है तब एक स्टैंड होता है, विपक्ष में बैठते हैं तो दूसरा स्टैंड होता है, आपका स्टैंड स्पष्ट करो। वोट बैंक की पॉलिटिक्स को राष्ट्रहित के ऊपर नहीं मानना चाहिए। वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने का हम पर आरोप लगा रहे हैं? हमने कभी वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं की। जब हम विपक्ष में थे तब भी मानते थे कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश में रहने का अधिकार नहीं है, इससे हमारे नागरिकों के मानव अधिकार का हनन होता है। और हम आज भी मानते हैं कि एनआरसी को फर्मली और फेयरली इंप्लीमेंट करना चाहिए, हम आज भी मानते हैं। हमने उस वक्त भी कहा था, आज भी कह रहे हैं, घुसपैठिए और शरणार्थी के बीच में भी भ्रांति खड़ी करने का प्रयास हो रहा है। जो व्यक्ति अपनी मान्यता को बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने स्वमान को बचाने के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए एक देश से दूसरे देश आता है, वो शरणार्थी होता है। और जो रोजगारी के लिए या अन्य कारणों से अवैध रूप से घुसकर यहां आता है, वो घुसपैठिया होता है। इसकी व्याख्या में भारतीय जनता पार्टी के मन में कोई दुविधा नहीं है। इसीलिए सिटीजनशिप एक्ट का बिल लोकसभा में पारित किया गया है, राज्यसभा में लंबित है, उचित समय पर उस पर राज्यसभा चिंता करेगी। अभी मैं आते आते ही ममता जी को सुन रहा था कि चुनाव जीतने के लिए हम ये कर रहे हैं। ममता जी, आपकी स्मृति को जरा तेज कर लीजिए, आपके ज्ञान को जरा, जनरल नॉलेज को आप पैना बनाइए। जब हम विपक्ष में थे तब भी ये डिमांड करते थे और आज भी अड़े हुए, हमने हमारा स्टैंड कभी नहीं बदला। चुनाव जीतने के लिए तो आप देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आप भ्रांति फैलाने का काम कर रहे हैं और कह रही है देश में गृह युद्ध होगा। गृह युद्ध का भय फैलाकर एक बार तो देश तोड़ चुके हैं, क्या कहना चाहते हैं गृह युद्ध होगा? मतलब किस प्रकार से गृह युद्ध होगा, इसकी स्पष्टता तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्षा ने करनी चाहिए। ये कानूनी प्रक्रिया है और कानून अपना काम करता रहेगा। और मैं आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से पूरी पॉलिटिकल पार्टियों को कहना चाहता हूं कि आपने बांग्लादेशी घुसपैठियों पर अपना स्टैंड स्पष्ट करना चाहिए, देश की जनता को संदिग्ध हालत में नहीं रखना चाहिए। हर पार्टी ने अपना स्टैंड स्पष्ट करना चाहिए, हाँ या ना में, कि आप बांग्लादेशी घुसपैठियों को इस देश में रखना चाहते हो या रखना नहीं चाहते हो, ये स्टैंड क्लियर करना चाहिए। ये ऐसा मसला नहीं है जिसमें कुछ कुछ अलग अलग जगह पे अलग अलग बात हो सकती है, ये देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस पर सब पार्टियों ने अपना स्टैंड स्पष्ट करना चाहिए। और मैं मानता हूं कि इस देश के नागरिकों के मानव अधिकार के लिए भी ये सारे दल जो आज एक मुश्त होकर बोल रहे थे, उन्होंने अपना स्टैंड स्पष्ट करना चाहिए कि इस देश के नागरिकों का भी कोई मानव अधिकार होता है या नहीं है। हर देश से लोग यहां आकर रहते जाएंगे, कोई देश इस तरह से चल सकता है क्या?
नहीं चल सकता कोई देश। तो इस विषय पर भी अपना स्टैंड हर पार्टी ने स्पष्ट करना चाहिए और देश की सुरक्षा के लिए भी अपना स्टैंड स्पष्ट करना चाहिए कि देश की सुरक्षा के लिए आपकी चिंता है या नहीं। घुसपैठियों को बढ़ावा देकर, घुसपैठियों को प्रोत्साहन देकर किस प्रकार के देश की सीमाओं की और आंतरिक सुरक्षा की सुरक्षा करेंगे, आंतरिक सलामती के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं क्या, ये बात को भी स्पष्ट करना चाहिए। मित्रों, मैं स्पष्टता से मानता हूं एनआरसी फॉर सिक्योरिटी, एनआरसी जो है ये देश की सुरक्षा के लिए है, सिक्योरिटी के लिए है और ये भारतीय जनता पार्टी सरकार का फर्म स्टैंड है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के स्पिरिट को फुल स्टॉप कॉमा में इंप्लीमेंट करते हुए हम एनआरसी को इंप्लीमेंट करेंगे। मेरी बात समाप्त हुई, अब आप सवाल पूछ सकते हैं। देखिए, मैंने पहले ही कहा ममता जी वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रही हैं। हम इतने महत्वपूर्ण सुरक्षा के मसले पर वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए, ऐसे हमारी पार्टी मानती है और करती भी है। संजय शर्मा, सबके नाम बोलेंगे भैया। देखिए, अभी असम के एनआरसी पर ही चर्चा हो रही है क्योंकि इसकी प्रक्रिया चालू हो चुकी है। भविष्य में जब देश भर के अंदर जो घुसपैठी है इस पर चर्चा होगी, इस पर कोई विचार होगा, सार्वजनिक बहस होगी, तो उस वक्त हम इस पर रिएक्ट करेंगे। पॉल में कोई भी प्रोसेस करते हैं, इसके अंदर गलती की संभावना शून्य हो सकती है क्या? इसीलिए मैंने कहा कि प्राथमिक लिस्ट है, जो इस देश का नागरिक है और छूट गया है, दे शुड अप्लाई। अब इसको अमेंड करना है, इसकी एक प्रोसीजर सुनवाई की तय हुई है, डेप्यूटी कलेक्टर से ऊपर की पोस्ट के लोग सुनवाई करने वाले हैं। ये तो मतदाता सूची भी बनती है, इसमें भी काफी लोग छूट जाते हैं, मगर इसकी प्रक्रिया होती है, प्राइमरी इलेक्ट्रोल रोल को अमेंड किया जाता है। राजीव रंजन, देखिए अलग अलग पार्टी के अलग अलग मत है, मैंने भारतीय जनता पार्टी का मत स्पष्ट कर दिया है। जेडीयू का मैं नहीं कर सकता ना, अदिति मैं नहीं चलाता भैया जेडीयू। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, ये जो कदम उठा है हमारे देश की सुरक्षा के लिए और हमारे देश के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए है और इस पर बहस देश में ही होनी चाहिए। रवीश तिवारी, पहले लिस्ट तय करना प्रायोरिटी है, वो तय करने के बाद इसको भी सोचेंगे कि क्या करना चाहिए। विकास भदौरिया, जी जी नहीं, जी नहीं, हम नहीं मानते। भारत सरकार ने एक एफिडेविट कर स्टैंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर स्पष्ट किया हुआ। ऐश्वर्य कपूर, सर ये 40 लाख का फिगर है, ये थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन बांग्लादेश
देखिए हर समस्या के सॉल्यूशन के स्टेजेस होते हैं, ए बी सी डी, क्योंकि डी पर अभी विचार नहीं आया तो ये भी शुरू ना करना क्या? पहले हम आइडेंटिफिकेशन तो कर रहे हैं। 1971 से आज तक एक भी कांग्रेस सरकार ने आइडेंटिफिकेशन शुरू नहीं किया है, हमने किया है और इसका एक स्टेज समाप्त किया है। आगे की भी बात करेंगे जब समय आएगा तब। ऐश्वर्य आप ऐसा चाहते हो कि सारी बात में आगे की बात जो होगी वो भी सरकार की यहां बताई जाएगी? मैंने एक बार कहा, घूम फिराकर कितनी भी बार पूछोगे मैं यही कहूंगा कि अभी आइडेंटिफिकेशन हो रहा है, उसके बाद जो संख्या बढ़ती इसका क्या होना, इस पर एक एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल मेथड पर चर्चा भी होगी, चिंतन भी होगा, निर्णय भी होगा। एक सेकंड, नाम बोलेंगे आपका। अनामिका रत्ना। देखिए ममता जी को वोट बैंक के अलावे कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, इनको उसमें वोट बैंक नजर आती है, मुझे भारतीय नागरिकों का अधिकार और भारत की सुरक्षा नजर आती है। देखने का अपना अपना नजरिया होता है, अपना अपना चश्मा होता है। लीज मैथ्यू। नहीं, इसी के लिए नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स हैं, वो इलेक्शन कमीशन बाद में इसको संज्ञान लेगा जब सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया को पूरी डिक्लेयर करेगा। राधिका रमेशन। ऐसा नहीं है, आपके पास पूरी माहिती इंफॉर्मेशन नहीं है, अब लिस्ट आएगा तब देखना कितने हैं। अखबारों में सब बात सत नहीं छपती है। संतोष जी। संतोष मैंने कहा ना, अभी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत और आसाम एकॉर्ड के तहत आसाम में ये प्रक्रिया चल रही है, ये प्रक्रिया के अनुभव के आधार पर आगे की भी सबसे चर्चा कर कोई योजना बनाएंगे। शेष नारायण सिंह जी। उनके पास कागज पत्र नहीं है तो लाने की व्यवस्था यूपी सरकार और बिहार सरकार करेगी, हमने बिहार सरकार और यूपी सरकार के हर कलेक्टर को सूची भेज दी गई है, प्रोसीजर में है। भारत के किसी भी नागरिक को चिंता करने की जरूरत नहीं है, एनआरसी की प्रोसीजर जो मैंने पढ़ी है इस पर से मैं मेरा आकलन बता रहा हूं आपको। गनी जी। इतना सारा क्यों करेगा, भारत सरकार के विदेश विभाग करेगा भैया। कुमार राकेश। सॉरी, पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, बीजेपी का पूरा नाम मुद्दा अकेले बीजेपी का नहीं, कांग्रेस और बीजेपी का है, 85 में कांग्रेस ने भी इसको स्वीकार किया। आगे बोलिए। मुझे लगता है जब विदेश मंत्री जी प्रेस करें आप जरूर पूछ सकते हो उनको।
मैंने नहीं उठाया, नाज असगर आप उठा रहे हो। नाज असगर, देखिए आप, मुझे लगता है आपने एक जो बिल लोकसभा ने पारित किया है, भूपेंद्र जी क्या नाम है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, उसका प्रारूप और वो बिल के क्लॉजेस को पढ़ लीजिए तो सारा कंफ्यूजन दूर हो जाए। अभी कमिटी के पास लंबित है, ला दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सेकंड, नहीं डील करने का सवाल नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ये कोई एक्ट लाने नहीं जा रहे हैं हम। निस्तुला, नहीं ये डिमांड है वेस्ट बंगाल यूनिट की, मगर एनआरसी अभी फिलहाल आसाम में चल रहा है, आगे की जब ये प्रक्रिया समाप्त होगी इस पर विचार किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।